शीलता। काशी नरेश की महारानी करुणा अपनी दासियों के साथ नदी तट पर स्नान करने जाया करती थी। उस समय नदी किनारे पर जो गरीबों के झोपड़े खड़े थे उनमें रहने वाले लोगों को भी राज सेवक हटा दिया करते थे। एक बार इसी प्रकार महारानी करुणा स्नान करने गई थी। माघ का महीना था और प्रातःकालिक सर्दी का समय। स्नान करने के बाद महारानी के कोमल अंगूठे ढूंढने लगे। आस पास नजर फेंकने पर कहीं भी सूखी लकड़ी दिखाई नहीं दे रही थी कि जिसे जलाकर ठंड के त्रास को दूर किया जा सके। आखिर महारानी ने एक दासी से कहा, इनमें से किसी एक झोपड़े को जला डालो जिससे कि मैं अपने अंग को सेक सकूं। दासी बोली, महारानी जी, इन झोपड़ों में गरीब कुटुंब रहते होंगे अथवा सन्यासी लोग। झोपड़ा जल जाने पर इस भयंकर ठंडी में वे लोग बेचारे कहाँ रहेंगे। रानी का नाम भले ही करुणा था, परंतु करुणा क्या चीज है इसे वह जानती भी न थी। राजमहल के विशाल ऐश्वर्य में लाड़ प्यार से जो पली हो वह भला गरीबों के कष्ट कैसे जान सकती है। दुखी ही दुखिया के दुख को जान सकता है। उसने दूसरी दासी से कहा, यह दासी तो बड़ी ही दया वाली आई है, हटा दो इसे मेरे सामने से और तुरंत जाकर एक झोपड़े को जला डालो। दूसरी दासी ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। एक झोपड़ी में आग लगा दी गई, किंतु वायु वेग से उठी हुई प्रचंड लपटों में एक के बाद एक करके सारे झोपड़े राख के ढेर बन गए। रानी ने अपनी ठंड मिटाई और राजमहल को रवाना हो गई। इधर जिन जिन के झोपड़े जल गए थे वे सब एक साथ मिलकर राजा के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे और यथोचित न्याय प्रदान करने की प्रार्थना की। सारी घटना पर विचार करके महाराज पहले सीधे अंतःपुर में पहुंचे और बोले, प्रेयसी, आज तुम्हें यह क्या सूझी? गरीबों के बने बनाए झोपड़े जलाकर कितना बड़ा अन्याय किया है तुमने। तुम प्रजा की माता हो, क्या इस बात का भान भी है तुम्हें? मुझे कल्पना भी नहीं थी कि तुम इतना बड़ा कुकार्य भी कर डालोगी। इसमें कौन सा कुकार्य हो गया? वे घास के गंदे टूटे फूटे झोपड़े तो जला ही डालने योग्य थे, इसलिए मैंने जलवा दिए। इसमें अन्याय व कुकार्य की बात ही क्या है? महारानी करुणा ने यह जवाब दिया। महाराजा ने जरा कठोर मुद्रा धारण करके कहा, न्याय सबके लिए समान होता है। वे झोपड़े यदि और किसी ने जलाए होते तो जरूर उसे दंड देना पड़ता। वैसा ही दंड तुम्हें देना मेरा कर्तव्य है। दंड पाकर ही तुम समझ सकोगे कि वे झोपड़े गरीबों के लिए कितने मूल्यवान व उपयोगी थे। यह कहकर महाराज ने दासियों को आज्ञा दी कि रानी के बहुमूल्य वस्त्राभूषण उतार लो और एक सादी साड़ी पहनाकर तुरंत इसे राज्यसभा में हाजिर करो। महाराज राज सिंहासन पर आविराजे। उधर दासियों ने भी महाराज की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। एक भिखारिन जैसे साधारण वस्त्र पहने हुए जब महारानी करुणा राज्यसभा में उपस्थित हुई तभी उसकी ओर देखकर महाराज काशी नरेश ने प्रजा के साथ ठीक न्याय करते हुए गंभीर वाणी में कहा, जब तक किसी मनुष्य के जीवन में संकट नहीं आते तब तक वह दूसरों के संकट में होने वाली उनकी पीड़ा को नहीं समझ सकता। रानी, अपने अपराध के लिए तुम्हें महलों से निर्वासित किया जा रहा है। वे सब झोपड़े जिन्हें तुम जलवा चुकी हो आज से भीख मांग मांग कर या हाथ पांव से परिश्रम करके फिर से जब तक न बनवा दोगी तब तक तुम राजमहल में प्रवेश न पा सकोगी। रानी काफ़ी सुंदर थी इसलिए काशी नरेश उस पर बहुत मोह रखते थे। फिर भी प्रजा के साथ उस दिन उचित न्याय करके उन्होंने अन्य राजाओं के लिए भी एक आदर्श उपस्थित किया। उनका मोह कर्तव्य में बाधक न बन सका। धन्य है उनकी निष्पक्ष न्यायशीलता को। राजा का निष्पक्ष न्याय जानकर प्रजा ने मिलकर राजा से प्रार्थना की, महाराज, हमारा न्याय हो चुका है। महारानी को आप राज महलों में ही भेज दीजिए। इन्हें दंड मिल चुका है, इससे ज्यादा दंड अब मत दीजिए। प्रजा की इस प्रार्थना पर राजा ने ध्यान नहीं दिया और कहा, न्याय सभी के लिए समान है। मैं जो दंड दे चुका वह बदला नहीं जा सकता। रानी परिश्रम करने के लिए वन में गई, लकड़ी घास आदि काटी, हाथों में छाले पड़ गए। तब रानी को झोपड़ी की कीमत का पता लगा। फिर भीख मांगने बाजार में गई, लोगों ने दया करके काफी धन उसे दे दिया जिससे सभी झोपड़ियां दोबारा तैयार करवाई गई। फिर ही रानी को राजमहल में स्थान मिल सका। जय आनंद।